अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, स्टूडेंट टिप्स में वेलकम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट की न्यू जॉब्स के बारे में बताऊंगा। इसमें जो जॉब्स हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट, मैट्रिक, मिडल और प्राइमरी वालों के लिए जॉब्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है ये। आर्म फोर्सेज के जो हॉस्पिटल होता है, ठीक है, उसको मेडिकल इंस्टीट्यूट कहा जाता है। आर्मी नेवी और पाकिस्तान आर्मी नेवी और PAF का जो हॉस्पिटल होता है, कंबाइन हॉस्पिटल, उसको आर्म फोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ये रावलपिंडी में जो इसका इंस्टीट्यूट है, ये उसकी जॉब्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो जेंडर है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो है वो पाकिस्तान रावलपिंडी में होगी, ठीक है, और कैटेगरी इसकी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट है। और उसके बाद इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 दिसंबर 2018 है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए आगे जाके मुख्तलिफ पोस्टों के लिए मुख्तलिफ है। यहाँ पे इंटरमीडिएट, मैट्रिक, मिडल और प्राइमरी वालों के लिए जॉब्स मौजूद हैं। इंटरमीडिएट में FA और FSC और DAE तीनों शामिल हैं। और उसके बाद स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर होंगी, टाइपिंग स्पीड वगैरह, और कंप्यूटर में MS ऑफिस वगैरह का इलम होना ज़रूरी है। और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी होगी तो आपको इस वेबसाइट का मैं लिंक जब दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपने उस पर क्लिक करके, और आपने ये जहाँ पे लिखा है क्लिक ऑन दिस www.uts.com.pk पे क्लिक करके आपने एप्लीकेशन फॉर्म और बैंक डिपॉजिट स्लिप जो है डाउनलोड कर लेनी है। अब मैं आपको इसकी वैकेंसियों का ऐड दिखाता हूँ, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ से आप ओपन करके इसको देख सकते हैं, और तफसीलात मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में दर्जे दर असामियों के लिए मर्द और खवातीन से दरखास्तें मतलूब हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट की है, पे स्केल 14 है, तादाद है इसकी 3, इंटरमीडिएट और टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और शॉर्ट हैंड 80 अल्फाज पर मिनट होने चाहिए, ठीक है जी। और इसमें जो असामियों का कोटा है, डोमिसाइल इसमें पंजाब वाले और फेडरल एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। दो असामियाँ उनके लिए हैं और एक है सिंध के लिए, रूरल के लिए। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट है, इसके लिए पे स्केल जो है 11 है, तादाद असामी 1 है, और इंटरमीडिएट होना चाहिए और लाइब्रेरियन का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद इसमें सिर्फ पंजाब वाले और फेडरल एरिया वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैटलागर है, इसके लिए BPS जो है 11 है, तादाद असामी 1 है, इंटरमीडिएट होनी चाहिए कम से कम सेकंड क्लास में। और उसके बाद पंजाब और फेडरल एरिया के लिए एक ही वैकेंसी है, ठीक है जी, एक ही है और वो पंजाब और फेडरल एरिया के लिए है। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क है, LDC, इसके लिए पे स्केल 9 है, 5 असामियाँ हैं इसके लिए, 5 असामियाँ हैं, और मैट्रिक कंप्यूटर साइंस के साथ होनी चाहिए, MS ऑफिस का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे 3 मंथ्स का हो चाहे 6 मंथ का, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है जी। इसमें 3 असामियाँ जो हैं वो पंजाब मतलब फेडरल एरिया को साथ मिला के, इस्लामाबाद रावलपिंडी को मिला के पंजाब वालों के लिए, और एक मेरिट पे होगी जो कि पूरे पाकिस्तान से किसी भी जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद KP की खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक होगी। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट है, इसके लिए जो पे स्केल है वो 7 है, एक ही असामी है, मैट्रिक होनी चाहिए किसी भी आर्ट्स या साइंस दोनों में, तो टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, और पंजाब वालों के लिए ये वैकेंसी है फेडरल को मिला के, इस्लामाबाद रावलपिंडी को शामिल करके। इसमें लेबॉरेटरी असिस्टेंट है, इसके लिए एक असामी है, मैट्रिक साइंस होनी चाहिए पंजाब वालों के लिए। उसके बाद लेबॉरेटरी अटेंडेंट है, इसके लिए मैट्रिक साइंस होनी चाहिए, और एक सिंध के लिए और एक KPK के लिए है, ठीक है जी, पंजाब वालों के लिए इसमें नहीं है। और इसके में जो स्टोरमैन है आगे, उसमें 2 असामियाँ हैं मैट्रिक साइंस के साथ, और पंजाब वाले के लिए 1 है और सिंध रूरल के लिए 1 है। उसके बाद ड्राइवर की 8 हैं असामियाँ, इसके लिए आप मेरिट का कोटा पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुक हैं, इसके लिए 9 वैकेंसी है, चौकीदार के लिए 6 हैं, स्वीपर के लिए 4 हैं, खातून सर्वेंट के लिए 15 हैं, इसमें सिर्फ खवातीन ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है जी, लेडीज़ के लिए ये जॉब्स हैं। और ऊपर यहाँ तक जो 7 तक बनती हैं लेबॉरेटरी अटेंडेंट तक, यहाँ तक मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और नीचे जो बनती हैं इनमें सब में मेल सवाए खातून सर्वेंट के। उसके बाद वेटर, मसालची, नायब कासद, गेट कीपर, इसकी असामियाँ। अब अप्लाई करने का तरीका आता है, यहाँ पे उम्र की हद यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स जो सिविलियन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18 से 25 साल, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनके लिए 45 साल, मजदूर अफराद के लिए 18 से 40 साल उम्र की हद है। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे इसका देख सकते हैं, आपने जाना है ऊपर वेबसाइट का, मैंने लिंक आपको दिखाया था उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी लिखी हुई है वेबसाइट www.uts.com.pk, यूनिवर्सल टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट से आपने एप्लीकेशन फॉर्म और बैंक डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड करनी है। आपने किसी भी बैंक में जो है उसकी फीस नामजद, वहाँ पे जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर लिखा होगा 500 रुपये फीस है,
बीपीएस 5 से 14 स्केल तक, ठीक है जी। बीपीएस 5 यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक बनता है। स्टोरमैन तक जो जॉब्स हैं इसके लिए 500 रुपये फीस है, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे वाली जॉब्स हैं उनके लिए फीस जो है 200 रुपये है। उसके बाद मुकम्मल दरख्वास्त फॉर्म जो है अपना और डिपॉजिट स्लिप जो है ओरिजिनल आपने किसी भी रजिस्टर्ड कॉरियर के ज़रिए यूनिवर्सल टेस्टिंग सर्विस की एड्रेस पे भेजनी है। यूनिवर्सल टेस्टिंग सर्विस का एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 278/A नाजमुद्दीन रोड 10 इस्लामाबाद, ठीक है। मुकम्मल दरख्वास्त फॉर्म आपने इस पते पे भेजनी है। लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं 12 दिसंबर 2018 इसकी लास्ट डेट अप्लाई है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट यूटीएस की वेबसाइट पे ले जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहां से ओपन करके आप इस जॉब को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, जिन लोगों को जॉब की नीड है तो आपने मेरे चैनल और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जलने वाले वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।